नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। सरकार लोन के लिए एक नई व्यवस्था यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई ला रही है। आरबीआई का दावा है कि यह जितना सरल है उतना ही सुरक्षित भी है और लोन वाली प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी होगी। यूएलआई सिस्टम में डॉक्यूमेंट से ही किसी के लोन पाने की योग्यता चेक हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक लगा तो लोन के पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी के लगभग सभी हिस्सों में हल्की बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बनारस, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, लखनऊ के आसपास के जिलों में आज बारिश होगी। साथ ही अगले कुछ दिनों में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में भी भारी बारिश जारी रहेगी। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान को आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट अपनी टीम का मेंटोर बना सकती है। जहीर खान ने लंबे समय तक भारत के लिए क्रिकेट खेला है। अपने करियर में जहीर ने टीम इंडिया के लिए 92 टेस् ट, 200 वनडे और 17 T20 मैच खेले थे। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल इंक ने भारतीय मूल के इंजीनियर केवन पारेख को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है। वह लुका मैस्ट्री की जगह लेंगे। केवन पारेख इस समय एप्पल में वित्तीय योजना और विश्लेषण के उपाध्यक्ष हैं। वह 1 जनवरी 2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO की भूमिका में आने वाले हैं। सच्ची कहानी पर आधारित नेटफ्लिक्स सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक ने मेलबर्न के हॉइट्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया। बनारस मीडिया वर्क्स के सहयोग से मैचबॉक्स शॉर्ट्स द्वारा निर्मित और अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित यह सीरीज कल 29 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। उनके ही पार्टी से जुड़े 200 से अधिक कर्मचारियों ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक खुली चिट्ठी जाहिर की है। अमेरिका के लोगों से कहा है कि अगर ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो यह काफी अस्थिर स्थिति देश के लिए होगी। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सुरक्षा प्रोटोकॉल को जेड प्लस से बढ़ा दिया गया है। उन्हें अब वही सुरक्षा घेरा मिलेगा जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिली हुई है। मोहन भागवत की सुरक्षा की समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया गया। 31 अगस्त से मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने जाने से मेरठ से लखनऊ जाने वाले लोगों को एक और विकल्प मिल जाएगा। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus का एक नया प्रोडक्ट OnePlus S5 Pro के लॉन्च से पहले ही स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस फोन को कंपनी Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेस के साथ लॉन्च कर सकती है। डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार कंपनी का आगामी स्मार्टफोन OnePlus S5 Pro हो सकता है। उड़ीसा के पुरी में पहला बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है कि पुरी में एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू के H5N1 प्रकार की जानकारी मिलने के बाद 5000 से ज्यादा मुर्गियों को मार दिया गया और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए अविरल टाइम्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।